ये ईसा को स्कूल छोड़ के वापसी पे हमने ये सारी सब्जी वगैरह ले ली थी और घर आके मैं हाँ जी नाश्ता नुश्ते से फारग हो गए हैं और ये मैं आज एक थोड़ी छोटी सी सादी सी चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। डेली रूटीन में इतनी को ख़ास रेसिपी नहीं, बिल्कुल प्लेन से सिंपल सी रेसिपी है और फटाफट बन जाता है, तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी चूल्हे पे, चूल्हा जला लिया। मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी, और उसमें ये तकरीबन एक भर के चम्मच लहसुन की, इसको थोड़ा गोल्डन होने दूंगी, उसके बाद मैं चिकन डालूंगी। और ये अब मैं डाल दूंगी चिकन, अब अच्छा सा जरा अपना कलर जो है ना चेंज कर लेगा, वाइट वाइट हो जाएगा, गोल्डन बन के डाल लूँगी थोड़ा सा, फिर इसमें डालूँगी बाकी चीज़। ये अब गोल्डन हो गया, मैं डालूँगी ये टमाटर, ले जी तैयार होगी। और मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है, बिल्कुल खुश्क हो गया पानी छानी सब कुछ टमाटर का, और ये मज़ेदार सी बन गई। अब खाएंगे तो दिखाएंगे, दिन का एक काम तो मुकम्मल हुआ। ये जी तंदूर की रोटी और सालन साथ दूध। लें जी ये आज आपको
मटके वाली चाय भी बनानी, बताएंगे कि कैसे बनती है। बहुत ही आसान सा तरीका है ये। आप कच्ची मिट्टी का बना हुआ ले लें, कोई छोटा लें बड़ा लें, जैसा भी बर्तन आपको चाहिए। उसमें आपने डाल देना है दूध और इलायची। पहले ये ज़रा गर्म हो जाएगा, जब उबलने लगे तो इसमें पत्ती डाल दें और गुड़ डालेंगे इसमें। ठीक है, ये सही अभी उबल जाता है, फिर आपको बताती हूँ। ये पत्ती डाल दिए, जितनी जितना दूध होगा वो तो आप हिसाब से डालेंगे ना कि भाई कितने आपको तेज़ पत्ती चाहिए। तो हम तो तेज़ ही पीते हैं, सही कलर निकले तो बहुत मज़े की बनती है। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है ये गुड़ वाली चाय। ये देखें आप, काफी कलर निकलता आ रहा है। ये अब जो छोटी मटकी है इसको हमने पहले गर्म कर लिया है, और ये देखें ये बस थोड़ी सी नीचे रखनी है, देखें ना ये उबल के बाहर आएगी। जाना आप ये देखें जी, ये बहुत मज़े की चाय बनती है। जितनी ज़्यादा सर्दी में पी जाए ना ये तो उतना ही मज़ा कर आता है पीने का। ये जो ज़्यादा गुड़ मीठा पिए उसके लिए आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। जी आपके लिए चाय बनी है। ये देखिए, ये बहुत आसान सा तरीका है। ये बड़े काफ़ी जगहों पे होटल बनाए हुए हैं लोगों ने, और बड़ी उनकी सेल होती है, दूर दूर से लोग पीने के लिए आते हैं। हम खुद भी पहले पीते रहे हैं, लेकिन अब घर बना रहे हैं। ये देखिए अब पी के दिखाते हैं कि कैसा मज़ा है। रनु क्या कर रहा है, चाय पियोगे? फिर से बोलो, समझ नहीं आई। ओए सदके जाऊं, कह रही है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जनाब। ये चाय आ गई जनाब, अब हम पियेंगे। ठीक है जी गाइस, हम ये पियेंगे, पी के आपको दिखाएंगे। हाँ जी, और इसी के साथ अभी ये ब्लॉग ख़त्म हुआ। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो चाय मज़े की बनी है, इसमें मज़े की बनी है।